हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली। एंड मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं जो अलताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। आपका नाम क्या है, आप कहां से इंडिया में और कौन से ईयर में हैं? हेलो, माय नेम इज सोमदीप रॉय एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम स्टडिंग अलताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द फर्स्ट ईयर। आप अलताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बरनौल में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब इंडिया से गए थे तो आपका जर्नी कैसे रहा था? मैं जब आया था तब मैं थ्रू दिल्ली टू उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में मेरा हॉल्ट था, फिर उज़्बेकिस्तान से नोवोसिब्रिस्क, यहाँ से बर्नौल से बहुत पास होता है, इसलिए नोवोसिब्रिस्क एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। नोवोसिब्रिस्क थर्ड लार्जेस्ट सिटी भी बोल सकते हैं हम रशिया का। अच्छा, इसमें यहाँ से ट्रेवल करना भी इजी है, पास में भी। अच्छा, तो आप ये बता रहे हो जैसे मॉस्को से आप नहीं गए, आप दिल्ली से गए होगे, मे बी शायद उज़्बेकिस्तान में ताशकंद, वहाँ आपका हॉल्ट हुआ होगा एंड फिर वहाँ से आप रशिया में पहुंचे हो। तो आप जिस सिटी में पहुंचे हो, जहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा होगा? जिस एयरपोर्ट में उतरा था वो इंटरनेशनल ही था। अच्छा, तो वहां से आप बर्नौल, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है अलताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वो आपने ट्रैवल कैसे किया था? आने से पहले हमको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो यूनिवर्सिटी पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देती है आपको फर्स्ट ईयर न्यू स्टूडेंट्स के लिए। हाँ। तो इसलिए हमको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फ्लाइट जब हमारी लैंड हुई तो वो लोग पहले से आके खड़े थे हमारे, आपके लिए पहले से। तो बेसिकली आपको एक एयरपोर्ट पिकअप फैसिलिटी मिल गई थी। और आपका ग्रुप कितना बड़ा था, कितने स्टूडेंट्स गए थे साथ में? हम टोटल ऑफ 30 स्टूडेंट्स आए थे। 30 स्टूडेंट्स आप साथ में आए थे, सब दिल्ली से उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से आप रशिया पहुंचे और आपको एयरपोर्ट पिकअप हुआ, और जहां से आपको पिकअप किया गया वहां से आपका बाय बस ट्रैवल हुआ होगा? बाय बस ट्रैवल हुआ था। और कितना टाइम लगा था आपको यूनिवर्सिटी पहुंचने में? 4.5 hours, 5 hours ऐसा लगा। 4.5-5 hours। और आपका छुट्टी आने वाला है, आप कोलकाता में रहते हो, तो आप रिटर्न अपना जर्नी कैसे करने वाले हो वापस इंडिया में? मैं रिटर्न थोड़ा घूम के करने वाला हूँ। okay. मैंने अपना फ्लाइट किया है नोवोसिब्रिस्क टू दुबई, दुबई टू कोलकाता डायरेक्ट। अच्छा, अब जब आप वापस आने का कर रहे हो तो आपका अप्रोक्सीमेट कितना कॉस्ट पड़ रहा है? मेरी वापस आने की भी 43 पड़ रही है। 43 पड़ रही है, मतलब डायरेक्ट है ना, इसलिए डायरेक्ट। अच्छा। है इसलिए। ठीक है, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि आपका अराउंड 40,000 का ट्रैवल का कॉस्ट रहेगा दिल्ली से भी। हाँ। अगर आप कभी वापस वहां पे जाओगे तो, और टाइमली बुक करा लोगे तो 40-45,000। हाँ, टाइमली बुक करा दे तो ठीक ठाक रह जाएगा वो। 20,000 में भी मैंने फ्लाइट्स देखी है यहाँ पर। अच्छा, 20,000 में भी आती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ज्यादा ही रहेगी, यहाँ पर कम भी होती है। अच्छा अच्छा, वो डिपेंड करता है आप कौन सा रूट चूज कर रहे हो, कब आप बुक करा रहे हो। ठीक है, वो डिपेंड्स करता है कि आप कब कर रहे हो बुकिंग और किस टाइम पे कर रहे हो और कौन सा रूट ले रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया। अब चलो, आप लेट्स से आप जब निकले थे, आप बर्नौल पहुंच गए, तो सबसे पहले तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह मिली होगी, तो आप कुछ हॉस्टल के बारे में बताइए कि कितना सीटर रूम है, क्या हॉस्टल है, हॉस्टल से आपकी क्लासेस कितनी दूर है, तो ये आप थोड़ा बताइए। हमारा हॉस्टल एकदम पुलिस स्टेशन के पास रहता है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एकदम बहुत ही अच्छा, अच्छी जगह पर है और एनवायरनमेंट एक्सपोजर भी ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा, और दूसरी बात, हमारा हॉस्टल में 4 जन का रूम होता है, फोर सीटर है। हॉस्टल में सेंट्रली हीटर है, तो ठंडियों के टाइम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है ज्यादा। ठीक है, क्लासेस की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हॉस्टल के पास भी होते हैं, जो 5 मिनट्स की ट्रेवल में आ जाते हैं। और कुछ कुछ जो डिस्टेंस में है वो 3 किलोमीटर्स में है। okay. तो हाँ, तो प्रॉब्लम ज्यादा होती नहीं है, बाय वॉकिंग डिस्टेंस ही हम इसको कवर करते हैं। और मान लो कि किसी का टाइम नहीं है, किसी को वॉक ना करना हो, तो बस की फैसिलिटी है, कैब की फैसिलिटी है, ट्राम की फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी होगी? कैब, ट्राम, वॉकिंग सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। अच्छा। यहाँ पर कैब भी जब भी बुक करो तभी आती है, नो प्रॉब्लम। ओके, टाइम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। ओके ओके, अच्छा, अब सिटी की बात करें तो सिटी के बारे में थोड़ा बताइए कि सिटी कैसा है वहाँ पे, जो बर्नौल जहाँ पे यूनिवर्सिटी है। बर्नौल तो साइबेरिया के अंदर पड़ता है। okay. और ये लाइक एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हो, मतलब बहुत अच्छी जगह है, सुंदर है। अच्छा, अलताई क्राई के अंदर भी पड़ता है ये एरिया, अलताई माउंटेन्स यहाँ से पास में ही है। अच्छा, तो जैसे आप पहुंचे थे तो आपने तो पूरा अब एक ठंडा मौसम वहां पे निकाल लिया है, तो ठंड में। हाँ। तो जहां तक मैं जानता हूँ ठंड काफी पड़ती है वहां पे, तो आप इस वेदर में आप कैसे डील करते हो? वो बोल नहीं सकते क्योंकि हमको एडेप्टेड हो गया है, हम क्लासेस जाते जाते मतलब हमको प्रॉब्लम नहीं होती, और
जैकेट पहन के निकलते, जैकेट पहन के आते, सभी सेंट्रली हीटेड है। कैब में भी अगर जाते हैं ज्यादा ठंडी पड़ती है तब भी कैब में भी गर्मी होती है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हमको। अच्छा, 15 स्टूडेंट्स का एक बैग, क्योंकि एनाटॉमी जब होता है हमारा, हाँ, तो तब हमको प्रॉब्लम ना हो, कैडेवर में डाइसेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, भीड़ ना हो जाए, इसलिए हमको सेपरेट किया गया है कि कोई क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स हो गया तो फोकस नहीं रहता है टीचर का, तो वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है, सब स्टूडेंट पे फोकस रहते हैं सब टीचर पे। अच्छा, आपने मेंशन किया एनाटॉमी वगैरह का, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि अच्छा यहाँ पे सबको लगता है कि कैडेवर मिलते हैं नहीं मिलते, डाइसेक्शन होता है नहीं होता, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप अपने वर्ड्स में बताइए। मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ पर एनाटॉमी को लेकर सबसे अच्छा था। okay. क्योंकि मेरे यहाँ पर मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया है, मेरे जो भैया है बोल सकते हो। अच्छा, मेरे एरिया के ही बिलोंग करते हैं, सेम जगह से। okay. उन्होंने मेरे को वो किया था, पूरा बताया था जर्नी कैसा था एनाटॉमी का, वैसे ही सेम चीजें मैंने यहाँ पर फेस की है। यहाँ पर कैडेवर भी मिलता है, ऑस्टियोलॉजी के टाइम पे यहाँ पर रियल बोन्स के साथ भी डील करने देंगे, मायोलॉजी के टाइम पे रियल टिश्यू, रियल मसल्स भी दिखाएंगे, टिश्यू के टाइम पे टिश्यू भी होगा। ओके। और ऐसा ही सब चलता रहता है यहाँ पर। अच्छा। ऑर्गेन्स के टाइम पे ऑर्गेन्स भी दिखाया जाएगा। अच्छा। और तुमको लाइक उनपे टेस्ट हाथ देने का मौका भी मिलेगा। अच्छा। जो सबसे अच्छी बात है कि वेंस आर्टरीज के टाइम पे तुमको पूरा कैडेवर चेक करने को मिलेगा कि कहाँ पर कौन सी आर्टरीज जाती है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो एक थॉट है सबके दिमाग में कि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं मिलता कैडेवर वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपने सब चीजें खुद से ही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मिलेगा। अब आप जैसे बता रहे थे कि 2-3 किलोमीटर दूर आपकी क्लासेस लगती हैं काफी डिपार्टमेंट्स की, कुछ पास में भी हैं, तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो आप फूड कैसे मैनेज करते हो, और अच्छा टाइमिंग भी क्या रहती है आपकी क्लासेस की? हाँ, तो हम बताए तो लाइक हमारा जो यूनिवर्सिटी के पास ही हमारे इंडियन मेस प्रोवाइडेड है। Okay. तो हम जब भी टाइम मिलता है लंच के टाइम पे, तो हमको लंच के टाइम पे छुट्टी मिलती है, 2 PM to 3 PM हमको छुट्टी मिलती है, तो हम यूनिवर्सिटी के पास में ही है, सो हम वहां से निकल के लंच करके फिर क्लास में चले जाते हैं, तो हमको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। लंच और डिनर आपको मिलता है मेस में, तो उसमें थोड़ा आइडिया दो कि वेज में क्या है या कैसे खाना मिल जाता है वहाँ पे? यहाँ पर वेज के लिए अलग खाना बनाया जाता है और नॉन वेज के लिए अलग रखा जाता है ट्रे। अच्छा। तो सभी इंडियन फूड है यहाँ पर, सब कुछ मिलेगा, डे बाय डे इनका रूटीन होता है अलग, तो खाने के लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अच्छा, खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडियन मेस प्रॉपर है, आपको वहाँ पे लंच भी मिल रहा है, डिनर भी मिल रहा है, और जैसा आप बता रहे थे कि जहाँ आपकी क्लासेस लगती हैं यूनिवर्सिटी के वहाँ पे आपको मिलता है, तो आपके लिए इजी भी रहता है कि आप क्लासेस करो और वहीं से खा लो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि हॉस्टल में आपका मेस है, आप चले गए थोड़ा दूर अपनी क्लासेस लगाने, तो आप लंच के टाइम पे आ ही नहीं पाते वापस। यहाँ पर तो पास में ये तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर। आप कोई मतलब कोई यहाँ पे इंडियन मेस ले रखा है तो खाना अपना खा लेता है आराम से वहाँ पे। अच्छा, अब जैसे आपका हॉस्टल है तो हॉस्टल रूम में आपकी क्या क्या आपको फैसिलिटी मिली है, क्या आपको चीजें मिली हुई है, फर्नीचर जैसे क्या मिला हुआ है आपको? फर्नीचर यहाँ पर तंबूज की है, जो छोटा वार्डरोब है उसको तंबूज की बोला जाता है, यहाँ पर तंबूज की है, और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर लाइक बहुत सारे सेटिंग किए हुए हैं, यहाँ पर शेल्फ जैसे चीजें हैं, यहाँ पर मेरे ऊपर वार्डरोब है, और दो हमको वो दिए गए हैं, बड़ा अलमारी दी गई है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो आपको सारी टेबल स्टूल सब कुछ प्रोवाइडेड है यहाँ पर, फर्नीचर सही है, मतलब आपको अपने रूम में सब कुछ मिल रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, तो आपका हॉस्टल में ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, हॉस्टल में प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, स्ट्रिक्टनेस के बोलूं तो हाँ स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पर सब जगह वेंटिलेशन है, प्लस स्मोक डिटेक्टर्स है, तो यहाँ पर स्टूडेंट लाइक बिगड़ने वाले हैं नहीं। अच्छा। हॉस्टल के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, हॉस्टल की सिक्योरिटी ऐसी है कि हमको स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है फिर ही हमको मिलेगा, और खुद की होनी चाहिए वो आईडी कार्ड, मतलब कोई बाहर से एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पर डिसिप्लिन का मैटर ये है कि 10 बजे के बाद हम साउंड नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, पढ़ने के लिए हम स्टडी रूम जा सकते हैं, जो प्रोवाइडेड ही है अंदर हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल के अंदर स्टडी रूम है आपके? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्टडी रूम में मतलब आप रात को भी आराम से बैठ के अपना पढ़ाई कर सकते हो वहाँ पे? आराम से। बहुत बच्चों को ये भी होता है कि टीचर्स कैसे होते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते, तो टीचर्स का कैसे, जो आपके फर्स्ट ईयर में आपको टीचर्स लगे हैं? यहाँ के टीचर सबसे अच्छे है, इनफैक्ट मेरे साथ यहाँ के रिलेशन सबसे अच्छे टीचर्स के, यहाँ डीन, फॉरेन फैकल्टी की सब टीचर्स, सब मतलब बहुत हेल्पफुल है,
पूरे इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नजर से देखती है और कोई डिफरेंशिएशन नहीं करती है लोग रशियन और इंडियंस में। तो हाँ, इनका पढ़ाई का सिस्टम भी अच्छा है, ये पढ़ाते भी ऐसे जैसे स्पून फीडिंग नहीं होगा, पर ये लोग जैसे पढ़ाएंगे ना तुमको सब याद रह जाएगा, ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। पढ़ना और नहीं पढ़ना वो अपने ऊपर होता है स्टूडेंट्स के, एफएमजी क्रैक करना है इसलिए तो अपने ऊपर है ये। बिल्कुल, बहुत लोग बोलते हैं कि बाहर पढ़ रहे हैं एफएमजी क्रैक नहीं हो रहा है, पर ये स्टूडेंट्स की गलती है, ये स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है तब होता है ये सिस्टम। इस साल हमारे अल्ताई स्टेट मेडिकल से 40 प्लस स्टूडेंट्स ने एफएमजी क्लियर किया, 40 प्लस स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो आपके सीनियर्स जो आप खुद ही देख रहे हो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं सेम ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो आई थिंक आप भी मोटिवेट होते होंगे कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं ये चीज। तो हाँ, हम भी कर सकते हैं ना, हम भी पढ़ रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम ट्राई करेंगे, लास्ट तक ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह से आप क्लास में चले जाते हो, 4-5 बजे तक क्लास होती है, लंच भी आप अपना कर लेते हो, डिनर भी इंडियन मेस में कर लेते हो, किचन भी आई थिंक आपको प्रोवाइडेड होगा हॉस्टल के अंदर, अगर आप खुद से कुछ। हॉस्टल के अंदर किचन प्रोवाइडेड है, वॉशरूम्स भी प्रोवाइडेड है, इसमें कोई बात नहीं है। मैंने आपसे बेसिकली एक अच्छा ओवरव्यू ले लिया है कि अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहे तो कैसे वो ट्रैवल कर सकता है, यूनिवर्सिटी कैसी है, सिटी कैसी है, पढ़ाई कैसी है, और फर्स्ट ईयर में आपका एक्सपीरियंस आपने बता दिया। कुछ और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहोगे जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि क्या आके एक्सपेक्ट करना चाहिए वहां पे, कुछ भी आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो बच्चों के लिए? एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ आना इतना इजी नहीं होता, स्टूडेंट सोचते हैं कि नीट दे दिया, क्वालिफाई कर लिया, मतलब वहां पर चले गए एकदम से मेडिकल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आने के पहले एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ता है, जिसको देने के बाद क्वालिफाई हुए कि नहीं उसके बाद ही तुमको एंट्री मिलती है कॉलेज में, एवरी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहाँ पर पढ़ाई भी टफ है, यहाँ पर एक एक चीज इम्पोर्टेंटली समझाई जाती है, एक एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिकली आई थिंक बच्चों को बस थोड़ा ये प्रिपेयर होके जाना है कि थोड़ा ठंड लगेगा, और बच्चे सितंबर में आएंगे तो वो एडजस्टमेंट जैसा आपने बताया कि आप भी कर चुके हो, एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे, स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, जैकेट्स जो खरीदना पड़ेगा वो यहीं से ले लेंगे, क्योंकि यहीं का टेम्परेचर है और यहीं पर लाइक अच्छा मिल जाएगा उनको, कम रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाएगा। एक चीज और लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपका खाना का भी हो रहा है लंच और डिनर, आप हॉस्टल में भी रह रहे हो तो बाहर कोई रहने का खर्चा नहीं है, एक एवरेज मंथली खर्चा कितना हो जाता है स्टूडेंट का? मैं पढ़ने के बाद भी लाइक 10,000 में हो जाता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, फिर चीजें खरीदनी होती है, तो सिर्फ मेस का खाना खाके तो नहीं, बाहर भी तो लोग जाते हैं ना, बिल्कुल लाइक माइंड फ्रेश करने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे या फिर कुछ कहीं पर जाएंगे तो तब पैसे लगेंगे, तो हाँ 10-15,000 में आराम से हो जाएगा। तो और आई थिंक कहीं पे भी आप पढ़ाई करो, अगर आप दिल्ली में भी पढ़ने जाओ तो भी इतना बजट, एक पॉकेट मनी कुछ टाइप होती होती है, कुछ खरीदना है, किसी का बर्थडे बनाना है, कुछ भी करना है, बाहर खाना है जैसे आपने बोला, कुछ चीजें खरीदनी है, एसेंशियल्स जो होते हैं, बट आई थिंक 10-15,000 इज अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट, इट्स वेरी रीजनेबल। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे एडजस्टमेंट होता है, और आपका फीडबैक, आपका रिव्यू आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा जो भी बच्चे अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए। तो मैं आपको अगेन थैंक यू बोलूंगा, एंड ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम।